2024 राम भक्तों के लिए खास होने जा रहा है। सदियों के बाद 22 जनवरी को जहां अयोध्या में रामलला टेंट से मंदिर में विराजेंगे, तो वहीं 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था की ओर से पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी और पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने गुरुवर महंत स्वामी जी की ओर से पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी को आमंत्रित किए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी ने मंदिर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 14 फरवरी 2024 को होना है। मंदिर से जुड़े एक एक्स अकाउंट से पीएम मोदी को आमंत्रित किए जाने की कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। साथ ही लिखा गया है, पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी एवं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने गुरुवर महंत स्वामी जी की ओर से अबू धाबी यूएई में फरवरी 14, 2024 को प्रतिष्ठित होने वाले बीपीएस हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं लोकार्पण समारोह में गौरवशाली उपस्थिति के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण को सहर्ष मोदी जी ने स्वीकार किया है। दरअसल मंदिर अबू धाबी में अल वाकबा की जगह पर 20,000 वर्ग मीटर की जमीन पर बना है। हाईवे से सटा अल वाकबा अबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक यूएई में तकरीबन 26 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का लगभग 30% हिस्सा है। मंदिर में नक्काशी के माध्यम से प्रमाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। प्राचीन कला और आधुनिक आर्किटेक्चर के मेल से बने इस मंदिर की नक्काशी बेजोड़ है। बता दें कि यूएई सरकार ने साल 2015 में उस वक्त ऐलान किया था जब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वहां गए थे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंदिर निर्माण में इको फ्रेंडली तरीके पर जोर दिया जा रहा है। इस मंदिर को शाही पारंपरिक हाथ से नक्काशी किए गए पत्थरों से बनाया गया है। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। इस मंदिर को भारत और यूएई के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मंदिर निर्माण परियोजना को भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।